नमस्कार, स्वागत है आपका खबर नाइन में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। कहते हैं इंसान अपने कार्यों से पहचाना जाता है। हरदोई के विकास की कहानी भी यहाँ के जिला अधिकारी पुलकित खरे से शुरू होती है। आज फिर आम जनता को कंपनी गार्डन में नौका विहार में पानी की उपलब्धता कराकर बोटिंग करने के लिए स्टीमर देकर जनता के चहेते बन गए जिला अधिकारी। आखिर क्यों लोकप्रिय और चहेते बन गए जनता के जिला अधिकारी? दरअसल हरदोई काफी समय से अपनी धरोहर रूपी पुरानी चीजों में उपेक्षा का शिकार रहा है। हरदोई की पहचान को सजाने और संवारने का काम जिला अधिकारी पुलकित ने किया। जगह जगह पार्क, चौराहों का निर्माण, ट्रैफिक व्यवस्था और सबसे बड़ी पहचान प्रहलाद घाट का सौंदर्यीकरण बिना किसी विधायक व सांसद की मदद के लिए लोगों के सहयोग से कर दिखाया। पूरे जनपद में इस समय जिलाधिकारी पुलकित खरे के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर प्रशंसा हो रही है। शहीद उद्यान में आज जनपद के बीचों बीच जो स्थित है नौका विहार का एक तरह से प्रारंभ किया गया है। यहाँ पे शहर के बहुत लोग घूमने फिरने आते हैं, परिवारों के साथ आते हैं, चहलकदमी करने आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं। तो यहाँ पे अध्यक्ष नगर पालिका, उनकी मंशा थी और हम सब लोग मिलके इस प्रोजेक्ट को आज जमीन पर उतार पाए हैं कि हम लोग बोट की फैसिलिटी यहाँ पे शहीद उद्यान में दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जनपद वासियों को इससे अच्छा लगेगा, अपने परिवारों के साथ वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे और अच्छी शाम गुजार पाएंगे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।